भारत के दुश्मन नंबर एक मसूद अजहर के मरने की अटकलें, अभी तक खबर की पुष्टि नहीं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मसूद के मरने की अटकलें सामने आ रही हैं, तीन थ्योरी। पाकिस्तान ने किया खबरों का खंडन, कहा मसूद अजहर की तबीयत नाजुक लेकिन मौत नहीं। जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, पुलवामा हमले के आतंकी संगठन ने ली है जिम्मेदारी। जैश ए मोहम्मद ने खोली पाकिस्तान की पोल, संगठन के एक आतंकवादी ने बालाकोट के अड्डे पर कबूल की एयर स्ट्राइक की सच्चाई। सामने आया जैश के आतंकी का ऑडियो टेप, आतंकवादियों को उकसाने के साथ कहा कि भारत ने तहस नहस किया उनका अड्डा। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन के बीच सेनाध्यक्ष का एलओसी दौरा, सेना की रणनीति पर माथापच्ची। पाकिस्तान के लाहौर में शांति के लिए निकाला गया मार्च, युद्ध के खिलाफ संदेश। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, अखनूर सेक्टर में अंधाधुंध गोलाबारी, आबादी वाले इलाकों पर निशाना। पाकिस्तान के खिलाफ हवाई हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, मारे गए 250 से ज्यादा आतंकी। चिदंबरम ने पूछा, विदेश मंत्रालय ने नहीं बताई मरने वालों की संख्या, फिर कहां से आ रहे हैं मारे गए आतंकियों के आंकड़े। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी भूल गए, कार्रवाई के बाद वायुसेना को राहुल गांधी ने किया था सबसे पहले सैल्यूट। ममता के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी एयर स्ट्राइक की मांगे सबूत, कहा देश से साझा करें हमले की जानकारी। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, बोले सरकार बताए कि क्या जंगलों में गिरा बम। कुपवाड़ा हमले में शहीद श्याम नारायण यादव की अंतिम विदाई, गांव में मातम। सूबेदार मेजर के पद पर तैनात थे श्याम नारायण यादव, मुठभेड़ में हो गए थे बुरी तरह से जख्मी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए फतेहाबाद के जवान हरी सिंह के परिवार का दुख, ऐलान के बावजूद नहीं मिला गैलेंट्री अवार्ड। मुआवजे की जमीन पर भी लोगों का कब्जा, अफसर से नेता तक किसी ने नहीं सुनी। जन्म के 6 महीने बाद परिवार को मिला शहीद की पत्नी ने मुश्किल से 6 बच्चों के साथ किया गुजारा। पटना में शहीद इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सरकार का कोई मंत्री भी मौजूद नहीं। बीजेपी और जेडीयू के नेता भी नहीं पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पर एनडीए की रैली में दिखी नेताओं की फौज। बिहार के बेगूसराय में शहीद पिंटू कुमार को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भारी भीड़, जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात के भरूच में शहीदों के परिवार की मदद के लिए कार्यक्रम का आयोजन, जमकर बरसे नोट। शहीद के परिवार वालों को भी बुलाया गया था कार्यक्रम में, दिया 1 लाख रुपए का चेक। पश्चिम बंगाल के बिंदापुर में बीजेपी की बाइक रैली, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई घायल। आसनसोल में विजय संकल्प रैली के दौरान बवाल, रैली रोकने पर पुलिस वालों पर हमला। बांकुरा में निकली बीजेपी की बाइक रैली, पुलिस पर रोकने का आरोप। उत्तरी 24 परगना में रैली के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। आसनसोल में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो का बोर्ड हटाया, तृणमूल के काउंसलर अभिजीत आचार्य पर आरोप। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जामनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जामनगर के बाद अहमदाबाद आएंगे प्रधानमंत्री, पाटीदारों के उमिया मंदिर के लिए करेंगे भूमि पूजन। मेट्रो का उद्घाटन करने का कार्यक्रम, खुद भी सफर करेंगे पीएम मोदी। पीएम 1200 बेड वाले अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, अगले दिन मां अन्नपूर्णा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। 5 मार्च को पाटीदारों की रैली को करेंगे संबोधित, इसके बाद इंदौर के लिए है कार्यक्रम। अमेठी में प्रधानमंत्री का जबरदस्त विरोध, मोदी गो बैक के लगे नारे, लोगों का आरोप कई योजनाओं को सरकार ने कराया बंद। लखनऊ में मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की चुनावी मंथन, उम्मीदवारों को लेकर बनी रणनीति, कार्यकर्ताओं में मांगा गया फीडबैक। मायावती का आरोप, जम्मू कश्मीर और आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नाकामी छिपाने की कर रहे कोशिश। यूपी के झांसी को सौगात, नितिन गडकरी और उमा भारती ने कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। अखिलेश यादव ने योगी पर साधा निशाना, बोले अनियंत्रित अपराध से व्यापारियों पर हमले, चुनाव में जनता करेगी बीजेपी का डब्बा गोल। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी बीजेपी में शामिल, कहा राष्ट्र सेवा का लक्ष्य लेकर राजनीति में आए। रिबावा जडेजा ने बताया कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की काम करने की पद्धति से प्रभावित। प्रयागराज में राजनीति के रंग, पीएम मोदी के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। अयोध्या के सुग्रीव किला मंदिर में जुटे दक्षिण भारतीयों के संत, राम मंदिर पर चर्चा। अयोध्या में आरएसएस का पथ संचालन कार्यक्रम, कई नेता मौजूद। पटना में एनडीए ने फूंका चुनावी बिगुल, प्रधानमंत्री मोदी ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर किया पलटवार। पीएम ने कहा जवानों के पराक्रम पर सवाल कर रहे कुछ विपक्षी दल के नेता, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एयर स्ट्राइक के भी मांगे सबूत।
गांधी मैदान में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किए करारे वार, कुछ लोगों के बयान से पाकिस्तान में खिल रहे हैं चेहरे। पीएम मोदी का विपक्ष पर आरोप, कहा वो कहते हैं मोदी को खत्म करो, हम कहते हैं आतंकवाद खत्म करो। पटना में एनडीए की रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, आपका चौकीदार पूरी तरह चौकन्ना। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना, कहा हमने साकार किया मेड इन अमेठी का सपना। मेड इन अमेठी 103 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली। पीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा हमला, बोले गरीबों को नजरअंदाज करती है कांग्रेस। अमेठी को मिला चुनावी गिफ्ट, आधुनिक AK-203 राइफल बनाने की फैक्ट्री का शिलान्यास, 1500 लोगों को रोजगार का वायदा। प्रधानमंत्री ने अमेठी के लिए लॉन्च किए 538 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, कहा स्मृति ईरानी ने 5 साल में खूब मेहनत की। बिहार के कटिहार में 103 एकड़ पर कब्जे को लेकर सरगर्मियां तेज, तीर धनुष के साथ पहुंचे लोग। पर्चा लेकर आए लोगों की दलील, हाईकोर्ट से 2008 से उनके पक्ष में आ चुका है फैसला, प्रशासन की लापरवाही। जमीन मालिक के मुताबिक कोर्ट की तरफ से स्टे, लाल कार्ड को बताया फर्जी। यूपी के झांसी को सौगात, नितिन गडकरी और उमा भारती ने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के पेच टाइगर रिजर्व में 1100 से ज्यादा पक्षियों की मौत, ओले गिरने से जख्मी हुए परिंदे। राजस्थान के धौलपुर में इनामी डकैत चढ़ा पुलिस के हत्थे, देशी पिस्टल के साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के रामपुर में होटल के अंदर एक युवक की संदिग्ध मौत, प्रेमिका भी थी साथ। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 5 की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, लूटे गए फोन जब्त। पंजाब के फरीदकोट में जेल के अंदर छापा, जेल के मंदिर में जा रही थी नशे की खेप। अलीगढ़ में जैक टूटने से ट्रक पर गिरा डंपर, ट्रक के कैबिन में बैठे 3 लोगों की मौत। यूपी के महोबा में 3 गाड़ियों की टक्कर, 12 लोग घायल। यूपी के हमीरपुर में पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिरी कार, 1 की मौत, 4 घायल। अमृतसर में पकड़ा गया नकली पुलिस वाला, लोगों से ठगी का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में रिश्वत ले रहा पुलिस वाला गिरफ्तार, वीडियो वायरल। लुधियाना में टोल प्लाजा के पास बच्चे को पेड़ से बांधने का वीडियो वायरल, हादसे से बचाने की दलील। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में सड़क का एक हिस्सा धस गया, सड़क के नीचे था पुराना नाला। झारखंड के खूंटी में गांजे के 3 तस्कर गिरफ्तार, 33 किलो गांजा जब्त। अलीगढ़ में कोल्ड स्टोरेज में लगी आग, खत्म हो गया फायर ब्रिगेड का पानी। 10 दिन पहले कोल्ड स्टोरेज का हुआ था उद्घाटन, लाखों का नुकसान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, पानी का संकट। लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, खिसकी बर्फ की चट्टाने। बर्फीले तूफान की चपेट में आया बौद्ध मठ, भारी नुकसान। मुरादाबाद में बारिश के साथ बरसे ओले, सब्जियों की फसल को नुकसान। बेमौसम बारिश से परेशान है आगरा के किसान, फसलों का नुकसान। सीआईएसएफ ने गोल्डन जुबली मनाते हुए बनाया रिकॉर्ड, निकाली विश्व की सबसे लंबी सिंगल लाइन साइकिल परेड। परेड में 1327 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 88 जोड़ों की शादी, नवजीवन बहुउद्देश्य सेवा संस्था का आयोजन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 303 जोड़ों की शादी, निकली सामूहिक बारात। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 807वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत, पूरी हुई झंडे की रस्म। आज प्रयागराज में महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान, संगम पर जुटे श्रद्धालु। पिछले 2.5 महीने से चल रहे कुंभ मेले का औपचारिक तौर पर समापन, जबरदस्त रौनक। आज 60 लाख से 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, सुरक्षा के इंतजाम। अलीगढ़ में कांवड़ियों की मदद के लिए एएमयू स्टूडेंट यूनियन कैंप लगाकर दिया फलाहा। संभल में कांवड़ियों ने निकाला 250 फीट लंबा तिरंगा, शहीदों को श्रद्धांजलि। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भारी भीड़, भक्तों की लंबी कतार। औरंगाबाद के शिव मंदिर में 2 लाख भक्तों के आने की उम्मीद, मान्यता के मुताबिक यहां 12वां ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में शिवरात्रि के मौके पर खास आरती, आज 44 घंटे तक खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जुटे भक्त, हर हर महादेव के नारे। झारखंड के देवघर में भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव, सजाया गया पूरा मंदिर। दूसरे वनडे के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया, 5 मार्च को वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला।
धीरे धीरे पुराने रंग में लौट रहे हैं धोनी। हैदराबाद वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार चौथा अर्धशतक जमाया। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने माना वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार। भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल होने की भविष्यवाणी की। गावस्कर ने भी कहा धोनी विराट की टीम इंडिया के सबसे बड़े हथियार, दोनों मिलकर कर सकते हैं बड़ा कमाल। भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जाहिर की अपनी ख्वाहिश, कहा वो भारत को स्पोर्ट प्लेइंग नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।